नमस्कार दोस्तों, हम लोग सीटेट जूनियर लेवल साइंस का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे। कल हम लोगों ने जुलाई 2019 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था। आज हम दिसंबर 2019 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहले क्वेश्चन में बोल रहा है, इसमें से इनकरेक्ट या गलत कथन को पहचानिए। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों, इसमें फ्रिक्शन बिटवीन द टू सरफेस इन ए कॉन्टेक्ट कैन नेवर बी एलिमिनेटेड ऑन द अर्थ। तो ये कह रहा है पृथ्वी पर संपर्क में रखे दो पृष्ठों के बीच घर्षण कभी समाप्त नहीं किया जा सकता है। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद क्या बोल रहा है कि जो है रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है वो लेस देन होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। तो ये भी सही ऑप्शन है। इसके बाद बोल रहा है कि फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो एन ऑब्जेक्ट पे क्या होता है मूविंग थ्रू ए फ्लूइड डिपेंड करता है उसकी शेप पर। बोल रहा है मतलब कि किसी तरल में गति करते हुए किसी पिंड पर घर्षण बल उसकी आकृति पर निर्भर करता है। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। इसके बाद बोल रहा है कि जो बॉल वियरिंग होता है उसका यूज किया जाता है इंक्रीज द फ्रिक्शन बिटवीन द पार्ट ऑफ मशीन। मतलब बॉल बेयरिंग का जो उपयोग होता है मशीन के भागों के बीच घर्षण में वृद्धि करने के लिए किया जाता है। तो ये ऑप्शन रॉन्ग है दोस्तों, हमसे इनकरेक्ट ही पूछा है। क्योंकि जो बॉल वियरिंग का उपयोग होता है मशीनों के बीच में घर्षण को कम करने के लिए किया जाता है, इंक्रीज करने के लिए नहीं किया जाता। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि इनमें से सही कथन कौन सा है। तो दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं जो जिंक होती है वो मोर रिएक्टिव होती है। मोर रिएक्टिव होती है किससे? कॉपर एंड आयरन से, कॉपर एंड आयरन से। इसलिए जिंक क्या करती है, जिंक चूंकि मोर रिएक्टिव है इसलिए ये लेस रिएक्टिव मेटल को क्या करती है, डिस्प्लेस कर देती है। हमने इस रिएक्शन को भी बताया था, जिंक को जब हम कॉपर सल्फेट में डालते हैं इसका नीला कलर होता है। तो ये जिंक जो होता है कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, जिंक सल्फेट बनाता है, कॉपर अलग हो जाता है। ये कलरलेस सोल्यूशन इसका मिलता है, इसका कलरलेस सोल्यूशन मिलता है। तो अब हम अपने ऑप्शन पे आते हैं। ये बोल रहा है आयरन डिस्प्लेस कर देता है किसको, जिंक को फ्रॉम द जिंक सल्फेट। तो ये रॉन्ग है। अगला ऑप्शन है जिंक रिप्लेस कर देता है कॉपर को फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। तो अभी हमने बताया जिंक मोर रिएक्टिव होता है कॉपर और आयरन से, इसलिए जिंक रिप्लेस कर देता है कॉपर को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन से। हमारा अगला ऑप्शन है कॉपर रिप्लेस कर देता है आयरन को फ्रॉम द आयरन सल्फेट सोल्यूशन। तो ये भी रॉन्ग है, कॉपर कम रिएक्टिव होता है इसलिए ये रिप्लेस नहीं कर पाता है किसको, आयरन को फ्रॉम द आयरन सल्फेट सोल्यूशन। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन है, केवल बी। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये बोल रहा है इसमें से सही कथन पहचानिए। तो अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर जो होता है उसका रेंज कितना होता है। उसका रेंज 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस होता है। जो लैबोरेटरी थर्मामीटर होता है इसका जो रेंज होता है -10 टू 110 डिग्री सेल्सियस होता है। अब हम अपने ऑप्शन पे आते हैं। ये बोल रहा है कमरे का ताप मापने के लिए थर्मामीटर का परिसर 30 टू 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये रॉन्ग है। अगला ऑप्शन है कि जो प्रयोगशाला थर्मामीटर होता है उसका जो रेंज होता है 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस। तो ये भी रॉन्ग है, ये रेंज किसका होता है, ये क्लिनिकल थर्मामीटर का होता है। अगला ऑप्शन है कि रेंज जो होता है लेबोरेटरी थर्मामीटर का वो ग्रेटर होता है देन द क्लिनिकल थर्मामीटर। तो अभी हमने बताया लेबोरेटरी थर्मामीटर का जो टेम्परेचर होता है वो क्लिनिकल थर्मामीटर से अधिक होता है। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद बोल रहा है कि थर्मामीटर का उपयोग जो होता है वो किया जाता है उबलते द्रव का ताप मापने के लिए क्लिनिकल थर्मामीटर का। तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है, इसका यूज किया जाता है केवल ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मापने के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये बोल रहा है इसमें से गलत कथन को पहचानिए। तो दोस्तों अब हम कुछ ईंधन की कैलोरीफिक वैल्यू आपको बताते हैं।
जो गोबर के उपले होते हैं, इनकी कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है वो 6,000 से 8,000 होती है, और लकड़ी की जो होती है वो 17,000 से 22,000 होती है। इसके बाद कोयला का जो होता है, कोयला का 25,000 से 33,000 होता है। एलपीजी का जो होता है वो होता है 55,000। सीएनजी का जो होता है वो होता है 50,000। डीजल और किरोसिन का होता है, किरोसिन मिट्टी का तेल है, इन दोनों का 45,000 होता है। तो दोस्तों अब हम अपने ऑप्शन पे आते हैं। ये बोल रहा है कोयले का उष्मीय मान लकड़ी के कैलोरीफिक वैल्यू से अधिक है। तो अब हम अपने ऑप्शन पे आते हैं। कोयले का उष्मीय मान ये बोल रहा है लकड़ी के उष्मीय मान से अधिक है, तो ये करेक्ट है। अगला ऑप्शन है कि जो बायोगैस है उसका कैलोरीफिक मान एलपीजी के कैलोरीफिक मान से अधिक है। तो अब हम आते हैं, बायोगैस का कैलोरीफिक वैल्यू इतना है और एलपीजी का इतना है। चूंकि ये बोल रहा है बायोगैस का अधिक है एलपीजी से, तो दोस्तों ये रॉन्ग है। एलपीजी का जो उष्मीय मान है वो अधिक होता है बायोगैस के उष्मीय मान से, चूंकि हमसे गलत कथन पूछा है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। बाकी ये दोनों ऑप्शन आप लोग चेक कर लीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कोई बस अपनी यात्रा के पहले 12 मिनट 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और अगले 18 मिनट में क्या है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तो इस अवधि में बस कुल कितनी दूरी तय करती है। चूंकि हमको पता है हमको डिस्टेंस निकालना है, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। अब हम इसमें वैल्यू रखेंगे, चाल कितनी है इसकी 50 किलोमीटर पर आवर 12 मिनट है, इसको हम घंटे में बदलेंगे तो 60 से भाग देंगे तो ये वैल्यू आएगी 10 किलोमीटर। इसी तरह D2 आएगा चाल कितना है 40 किलोमीटर मिनट 18, इसको घंटे में बदलेंगे तो 60 से भाग करेंगे तो ये आएगा 12 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा D1 प्लस D2, तो 10 प्लस 12 कितना हो जाएगा 22 किलोमीटर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इनमें से गलत कथन को पहचानिए। पहला ऑप्शन है कि जो प्रकाश की गति है वो सरल रेखीय गति है, तो ये सही है क्योंकि हमसे गलत पूछ रहा है। हमारा अगला ऑप्शन है कि जो सितार के कर्षित तार की गति दोलन गति है, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। अगला ऑप्शन है सभी आवर्ती गतियां जो होती हैं वर्तुल गतियां होती हैं, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है दोस्तों, क्योंकि आवर्ती गति उसे कहते हैं जो क्या होता है, जो एक निश्चित अंतराल पे अपनी गति को क्या होता है, अपनी गति को दोहराता है, निश्चित अंतराल पे दोहराता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे आवर्ती गति कहते हैं। इसलिए सभी आवर्ती गतियां जो है वर्तुल गतियां नहीं होती हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं कि जो वृक्ष की शाखाएं हैं इनका इधर उधर लहराना, झूलते हुए बच्चे की गति, सितार की डोरियां, ये सभी आवर्ती गति हैं। क्यों? क्योंकि ये निश्चित समय के बाद अपनी गति को दोहराती हैं, निश्चित समय बाद अपनी गति को दोहराती हैं। अगला ऑप्शन है कि जो पृथ्वी की अपने अक्ष पर गति क्या है वो भी एक आवर्ती गति है, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि जो प्लेन मिरर होता है उसके द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों के संबंध में दिया गया कौन सा कथन सही है। तो इसको हमने कई बार बताया है, प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनती है वो इरेक्ट बनती है, इन्वर्टेड बनती है, इन्वर्टेड बनती है, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के बनती है, और सेम डिस्टेंस पे बनती है ऑब्जेक्ट से। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, इरेक्ट बनती है, इन्वर्टेड बनती है, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ACD वाला ऑप्शन करेक्ट है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है कि जो पश्मीना शाल होती है वो किससे बनती है, हेयर ऑफ गोट से बनती है।
तो ये ऑप्शन करेक्ट है। अगला ऑप्शन है कि जो अंगोरा है क्या है, एक प्रकार की अंगोरा ऊन है, ये खरगोश से प्राप्त होती है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है। ये किससे प्राप्त होती है, ये गोट से प्राप्त होती है। अगला ऑप्शन है कि जो ऊंट की ऊन का क्या किया जाता है, कारपेट बनाने में उपयोगी होती है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। अगला ऑप्शन है पश्मीना ऊन किससे प्राप्त होती है, रैबिट से, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है क्योंकि पश्मीना जो ऊन होती है वो गोट से प्राप्त होती है। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन ए और सी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए लक्षणों के आधार पर जंतु को पहचानना है। पहला ऑप्शन है लंबा मेरुदंड या रीढ़ किसकी होती है, फिर उसमें और क्या होती है, बहुत सी मांसपेशियां होती हैं और इसको आगे धकेलने के लिए शरीर अनेक बलियों में मुड़ा होता है, तो ये किस में होता है, ये स्नेक में होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला ऑप्शन है सभी धमनियां ऑक्सीजन को हृदय से अन्य भागों में ले जाती हैं, तो ये करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन है धमनियों की भित्तियां जो हैं वो मोटी होती हैं, ये भी करेक्ट है। तीसरा ऑप्शन है धमनियों की भित्तियां क्या होती हैं, इलास्टिक होती हैं, तो ये भी करेक्ट है। अगला ऑप्शन है सभी धमनियां क्या करती हैं, ऑक्सीजन रिच ब्लड को ले जाती हैं, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है क्योंकि जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो जो पल्मोनरी आर्टरी होती है पल्मोनरी आर्टरी वो क्या करती है, वो ऑक्सीजन रिच ब्लड नहीं कैरी करती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि इनमें से मिलान करो सही। तो एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है, ये सिरका में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड पाया जाता है किसमें, दही में पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड पालक में पाया जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड जो है नींबू फल में पाया जाता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए का फोर। ए का फोर एक में ही दिया है इसलिए सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये बोल रहा है एक्स एक रसायन है जो हमारे आमाशय में उपस्थित है और भोजन के पाचन के लिए आवश्यक है। एक्स एक रसायन है, फिर जब एक्स अत्यधिक मात्रा में सिक्रीट होता है तो ये अपाचन जैसी स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न कर देता है। तो एक्स क्या है, एक्स HCl एक एसिड है। जब एसिड का सिक्रीशन ज्यादा होता है तो हमें इनडाइजेशन जैसी प्रॉब्लम होने लगती है। फिर वाई वह रसायन है जिसका उपयोग ऐसी परिस्थिति में उपचार के लिए किया जाता है। तो वाई क्या है, वाई एक एंटा एसिड है जो एसिड के प्रभाव को खत्म करता है। हमने बताया था एंटा एसिड के रूप में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज किया जाता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए क्या, एक्स क्या है, एक्स जो है ओ HCl है और वाई क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में बैक्टीरिया का उपयोग नहीं होता है। तो अब हम अपने पहले ऑप्शन पे आते हैं, बोल रहा है बेकिंग ऑफ द ब्रेड, तो दोस्तों इसमें बैक्टीरिया का यूज नहीं होता है, इसमें ईस्ट का यूज होता है। ईस्ट का यूज बेकिंग इंडस्ट्री में किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है फर्मेंटेशन ऑफ सुगर केन, तो इसमें भी ईस्ट का ही उपयोग किया जाता है और जो वो ईस्ट होती है सैक्रोमाइसिस सेरीविसी ईस्ट का यूज किया जाता है। अगला ऑप्शन है नाइट्रोजन फिक्सेशन में, तो इसमें बैक्टीरिया का यूज किया जाता है राइजोबियम बैक्टीरिया का। और कर्ड बनाने में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का यूज किया जाता है। तो इसमें से बैक्टीरिया का यूज किसमें नहीं होता है, तो दोस्तों इसमें दो ऑप्शन करेक्ट है बट आंसर इसने दे रखा है बेकिंग ऑफ द ब्रेड, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है। तो दोस्तों जो मरुस्थलीकरण होता है, अपरदन होता है और जो वनोन्मूलन होता है, ये सब क्या है, ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है, लेकिन जो कंजर्वेशन या संरक्षण है ये इन तीनों से डिफरेंट है।
अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये बोल रहा है इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों अब हम बता देते हैं कि केमिकल चेंज या रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। वह परिवर्तन जिसमें क्या होता है, या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम केमिकल चेंज कहते हैं। जैसे डाइजेशन हो गया, किसका डाइजेशन हो गया, फूड का, दूध से दही का बनना, प्रकाश संश्लेषण, रेस्पायरेशन, और ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब एक केमिकल चेंज है। तो अब हम अपने ऑप्शन पे आते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है, तो ये सही कथन है। दूसरा ऑप्शन क्या है, श्वसन एक रासायनिक परिवर्तन है, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। तीसरा क्या है, क्रिस्टलीकरण एक रासायनिक परिवर्तन है, तो ये रॉन्ग है। ये कैसा परिवर्तन है, ये एक फिजिकल चेंज या भौतिक परिवर्तन है। क्रिस्टलीकरण ये जो है रासायनिक परिवर्तन नहीं है, जबकि डाइजेशन एक केमिकल चेंज या रासायनिक परिवर्तन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कणों की साइज के अनुसार कौन सा आरोही क्रम को निरूपित करता है, मतलब उनको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो दोस्तों कणों के बढ़ते हुए क्रम में सबसे बड़ा कण किसका होता है, रॉक का, फिर ग्रेबल होता है, फिर सैंड होता है, फिर स्लेट होता है, इसके बाद क्ले सबसे छोटा होता है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो फंक्शन होता है गिल का, वो मछलियों में कौन सा काम करता है। तो जो फंक्शन होता है गिल का, वो जल में उपस्थित विलेय या घुलनशील ऑक्सीजन को क्या करता है, अवशोषित करता है। और गिल क्या करता है, गिल जो होता है वो क्या होता है, ये प्रोजेक्शन होता है। किस पे प्रोजेक्शन होता है, स्किन पे। और ये सप्लाई होता है, किससे सप्लाई होता है, ब्लड वेसल के द्वारा, इसलिए ये हेल्प करता है एक्सचेंज एक्सचेंज ऑफ द गैसेस में हेल्प करता है। और एब्जॉर्ब करता है डिजोल्व ऑक्सीजन फ्रॉम द वॉटर। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि संयोजक तार नहीं है तो विद्युत परिपथ को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाएगा। तो दोस्तों इसको हम बता चुके हैं, इसमें ब्लेड का उपयोग किया जाएगा। बाकी तीनों क्या है, ये और ये तीनों क्या है, ये विद्युत के क्या है, विद्युत के कुचालक हैं। ये तीनों विद्युत के कुचालक हैं, इसको हम बता चुके थे। प्लास्टिक प्लास्टिक लकड़ी लकड़ी रबड़ रबड़ कांच, ये सब क्या है, विद्युत के कुचालक हैं। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मंजुला क्या कर रही है, एक समतल दर्पण में अपने प्रतिबिंब का प्रक्षेपण कर रही है। उसकी दर्पण से दूरी 5 मीटर है। मान लो ये क्या है, ये प्लेन मिरर है। और यहाँ पे खड़ी है मंजुला, ये एक ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। तो मंजुला के बीच में और मिरर के बीच में जो दूरी है वो कितनी है, वो 5 मीटर है। तो इमेज कितनी दूर पे बनेगी, इमेज भी 5 मीटर पे बनेगी, अब मंजुला क्या करती है, वो दर्पण की ओर क्या करती है, 1 मीटर चलती है। तो इमेज भी क्या होगा, इमेज भी 1 मीटर मिरर की ओर शिफ्ट करेगा। चूंकि हमने बताया था प्लेन मिरर में जो ऑब्जेक्ट होता है वो जितनी दूर होता है प्लेन मिरर से, सेम उतने ही डिस्टेंस पे इमेज उसकी बनती है। और इमेज की जो साइज होती है वो सेम होती है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये 1 मीटर इधर मिरर की तरफ खिसक रही है मंजुला, तो इमेज भी 1 मीटर इधर खिसकेगी। तो जो बची डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, बची डिस्टेंस 4 मीटर, 4 मीटर। और ये हमसे क्या पूछ रहा है, अब ये हमसे पूछ रहा है कि उसकी और दर्पण में बने उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी है। तो उसकी और दर्पण में बने उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी है, 4 + 4 = 8 मीटर। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कोई लोलक 3 सेकंड में कितना 30 दोलन करता है।
चूंकि दोस्तों वो 3 सेकंड में कितना दोलन कर रहा है, 30 दोलन कर रहा है, तो वो 1 सेकंड में कितना दोलन करेगा, 1 सेकंड में कितना दोलन करेगा, 10 दोलन करेगा। और हम सभी जानते हैं कि जो कंपन करने वाली वस्तु होती है, कंपन करने वाली वस्तु जो होती है, 1 सेकंड में जितने दोलन करती है, 1 सेकंड में जितने दोलन करती है, वह उसकी क्या कहलाती है, वह उसकी आवृत्ति, या इसे क्या कहते हैं, फ्रिक्वेंसी कहलाती है। तो हमें पता चल गया इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, इसकी फ्रिक्वेंसी या आवृत्ति कितनी है, 10। अब हमें इसकी फ्रिक्वेंसी पता चल गई तो हमें इसका टाइम पीरियड बहुत आसानी से मिल जाएगा, 1/n। तो इसमें हम वैल्यू पुट अप करेंगे तो इसका टाइम पीरियड 0.1 सेकेंड आएगा। अब हम अपने ऑप्शन को चेक करते हैं तो ये बोल रहा है इसका टाइम पीरियड 0.1 सेकेंड और फ्रिक्वेंसी 10 हर्ट्ज है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। तो दोस्तों इस तरीके से आज हमने जो है दिसंबर 2019 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन थ्योरी में आपको हमारे मिल जाएंगे जो इस चैनल के प्लेलिस्ट में है, आप वहां से जाके थ्योरी को देख सकते हैं। और दोस्तों यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।